गाइज, आपने भी अपवर्क का नाम तो सुना ही होगा। अपवर्क से लोग लाखों रुपए की अर्निंग कर रहे हैं, ऐसा मेरा विश्वास आप मत करिए। लेकिन अगर आप यूट्यूब गूगल पर सर्च करेंगे तो ऐसे लाखों लोग आपको मिल जाएंगे जो वहां से अर्निंग कर रहे हैं, काफी अच्छे पैसे कमा रहे हैं। अब अगर आपके अंदर कोई स्किल है, जैसे कि मान लीजिए आप ग्राफिक डिजाइनिंग कर सकते हैं, वेब डिजाइनिंग कर सकते हैं, वर्डप्रेस पे अच्छे से काम कर सकते हैं, या फिर कोई और स्किल है आपके अंदर जो आप ऑनलाइन सेल कर सकते हैं, जैसे कि आप डेटा एंट्री कर सकते हैं, या फिर आप किसी का वीडियो एडिट कर सकते हैं, या फिर और कोई भी आपके अंदर स्किल है जैसे कि कोडिंग कर सकते हैं, तो आप अगर कोई भी स्किल लेकर यहाँ पर अपवर्क में आते हैं तो आपको 101% काम जरूर मिलेगा। और अगर नहीं आता है कोई स्किल तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, मैं आपको वो स्किल सिखा दूंगा जिसकी मदद से आप यहाँ पर काम करके लाखों रुपए की अर्निंग करेंगे। तो हे गाइस, मेरा नाम है प्रदीप सोनी, आप देख रहे हैं प्रदीप सोनी क्रिएटर चैनल। अगर यहाँ पर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर ऐसी वीडियोस मैं अपलोड करता हूँ कैसे आप घर बैठकर ऑनलाइन पैसे कमा सकते हैं। अब गाइस, आपके मन में सवाल आ रहा होगा, क्या आप स्टूडेंट है तो कर सकते हैं? और हाँ गाइस, अगर आप मैन वुमेन या फिर आपकी एज कुछ भी हो, आप यहाँ पर सब लोग काम कर सकते हैं। ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं कि आपकी एज इतनी होनी चाहिए, तो हर कोई यहाँ पर काम कर सकता है। आपको हिंदी इंग्लिश कोई भी लैंग्वेज आता है कोई मैटर नहीं करता है, हर कोई यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। तो हाँ गाइस, चलिए वीडियो को 100 लाइक का टारगेट रखते हैं, पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। बहुत ज्यादा मेहनत और रिसर्च करते हैं सिर्फ आपके लिए, ताकि आप ऑनलाइन घर बैठकर पैसे कमा सकें। चलिए बिना किसी देरी के हम वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर गाइस मैंने गूगल ओपन कर लिया है, आपको भी अपने मोबाइल या फिर लैपटॉप में क्रोम में गूगल ओपन करने के बाद सर्च करना है। अगर आप मोबाइल में ओपन कर रहे हैं तो आपको वहां पर 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद डेस्कटॉप साइट ऑन कर लेना है। तो जैसा मैं ओपन करूंगा सेम वैसा ही पेज आपको यहां पर दिखने वाला है। बस मैं लैपटॉप में इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको जो है यहां पर बड़ा डिस्प्ले दिखाई दे, अच्छे से सब कुछ समझ में आए, एज इट इज आपके मोबाइल में भी रहेगा। यहां पर गाइज मैं पहले अपवर्क लिख देता हूं, अपवर्क लिखने के बाद सर्च कर लेता हूं। सर्च करने के बाद आपके सामने पहली वेबसाइट आ जाएगी, आपको उसी को ओपन कर लेना है। यहां पर ये वाली पहली वेबसाइट है, इस पर आप क्लिक करेंगे। आप में से बहुत लोग जानते भी होंगे लेकिन अच्छे से अपना प्रोफाइल नहीं क्रिएट करते हैं, शायद इसीलिए आपको काम नहीं मिलता है। तो यहाँ पर मैं आपको सब कुछ सिखाने वाला हूँ, कैसे आप प्रोफाइल क्रिएट करेंगे, कैसे वर्क फाइंड करेंगे, कैसे आपको पेमेंट मिलने वाला है, कैसे आप यहाँ पर प्रपोजल लिखेंगे, सब कुछ आपको यहाँ पर A to Z बातें बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर गेट स्टार्टेड पर क्लिक करता हूँ, और गेट स्टार्टेड पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ से रजिस्टर कर सकते हैं। फिलहाल आप यहाँ पर पहली बार आ रहे हैं तो आप यहाँ पर साइन अप पर क्लिक करिएगा, कॉर्नर में दिखेगा। इस पर क्लिक करने के बाद गाइस दो ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे। यहाँ पर देखिए ज्वाइन अस एज ए क्लाइंट फ्रीलांसर, और यहाँ पर आपको अगर आप क्लाइंट हैं तो पहला वाला सिलेक्ट कर देंगे कि आप यहाँ पर जॉब के लिए हायर करने वाले हैं बंदे, तो आप यहाँ पर कोई जॉब नहीं देने वाले, आप यहाँ पर जॉब फाइंड कर रहे हैं, आई एम ए फ्रीलांसर लुकिंग फॉर वर्क। तो आपको इस पर क्लिक कर देना है, उसके बाद यहाँ पर अप्लाई एज ए फ्रीलांसर पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद गाइस साइन अप विद फाइंड वर्क यू लव, मतलब आपको यहाँ पर साइन अप करना होगा। आप यहाँ से गूगल से भी कर सकते हैं साइन अप, लेकिन मैं आपसे बोलूँगा कि आप यहाँ पर मैनुअली अपना डिटेल फिल करने के बाद उसके बाद यहाँ पर क्रिएट माय अकाउंट पर आप क्लिक करिए। तो यहाँ पर क्या करना होगा, अपना नेम लिख देना होगा, जो भी आपका नाम होगा वो लिखेंगे, और यहाँ पर अपना लास्ट नेम लिख देंगे, उसके बाद अपना ईमेल एड्रेस जो भी आप यूज़ करते हैं उसको डाल दीजिएगा, टेम्परेरी नहीं परमानेंट वाला अपना ईमेल एड्रेस डालिएगा ताकि इन फ्यूचर आपको याद रहे। यहाँ पर अपना पासवर्ड कोई भी क्रिएट कर लीजिएगा, 8 कैरेक्टर का मिनिमम आपको यहाँ पर क्रिएट करना होगा। कंट्री इंडिया पहले से सिलेक्ट है, जो भी कंट्री से हैं आप अपनी कंट्री सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आप यहाँ पर चेक पर क्लिक करेंगे, और चेक पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्रिएट माय अकाउंट पर क्लिक करेंगे। ये चीज़ें मैं फिल करने के बाद फटाफट आगे का प्रोसेस आपको दिखाता हूँ। जैसे गाइज आप क्रिएट करेंगे उसके बाद आपके सामने इस तरीके से पेज आ जाएगा, यहाँ पर वेरीफाई और ईमेल एड्रेस टू कंटिन्यू। आपको अपना मेल आईडी वेरीफाई करना है, आप आ जाएंगे जीमेल में, यहाँ पर गूगल में ओपन कर लीजिएगा। कुछ इस तरीके से आपके सामने भी मेल आ गया होगा अपवर्क की तरफ से, आपको यहाँ पर वेरीफाई मेल पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका मेल यहाँ पर वेरीफाई कर दिया जाएगा, कॉन्ग्रेचुलेशन योर अकाउंट इज वेरीफाई यहाँ पर करके दिखा दिया है। वापस से मैं वहां पर आ चुका हूँ जहां पर मैं अपना अकाउंट क्रिएट कर रहा था। यहाँ पर देखिए है प्रदीप रेडी फॉर योर नेक्स्ट बिग अपॉर्चुनिटी, आपको कुछ इस तरीके से प्रोफाइल यहाँ पर क्रिएट करना होगा। आपको कुछ सैंपल्स यहाँ पर दिखा दिए गए हैं, इस तरीके से आपका भी प्रोफाइल यहाँ पर शो करेगा। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, नीचे दिखेगा गेट स्टार्टेड का ऑप्शन, आपको इस पर क्लिक करना होगा, और उसके बाद आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यहाँ पर देखिए बोल रहा हैव यू फ्रीलांस्ड बिफोर, मतलब आप इसके पहले काम कर चुके हैं, ऑब्वियसली नहीं। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, आई एम ए ब्रांड न्यू टू दिस, इस पर आप क्लिक कर देंगे, और यहाँ पर दिखेगा नेक्स्ट का ऑप्शन, आप यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। और उसके बाद यहाँ पर देखिए गॉट इट, व्हाट्स योर बिगेस्ट गोल फॉर फ्रीलांसिंग, ऑब्वियसली यही बात है कि
कि आप यहाँ से पैसे कमाना चाहते हैं। टू अर्न माय मेन इनकम पर आप यहाँ पर पहले पर क्लिक कर देंगे और उसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद एंड हाउ वुड यू लाइक टू वर्क, किस तरीके से आप यहाँ पर काम करना चाहते हैं। आई वुड लाइक टू फाइंड अपॉर्चुनिटी माई सेल्फ, यहाँ पर इस पर आप क्लिक कर देंगे कि जैसे आप यहाँ पर कोई वर्क होगा तो आप डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं, या फिर आई विल लाइक टू पैकेज अप माई वर्क फॉर क्लाइंट टू बाय, मतलब जिस प्रकार फाइबर पर गिग पोस्ट होती है उस प्रकार आप यहाँ पर अपना कुछ पैकेज ऑफर करेंगे, उसको देखने के बाद क्लाइंट वहाँ से बाय करेगा, तो इस पर भी आप चेक कर दीजिए। चेक करने के बाद यहाँ पर भी चेक कर दीजिएगा। उसके बाद तीनों जगह आपको चेक करने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्रिएट ए प्रोफाइल पर आप क्लिक कर देंगे। अब उसके बाद गाइज हाउ वुड यू लाइक टू टेल अस अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में आपको बताना है, आप किस तरीके से यहाँ पर बताना चाहेंगे। पहला तो आप यहाँ पर लिंक्डइन के थ्रू बता सकते हैं, या फिर आपका कोई रिज्यूम आपने बनाया है तो उसको यहाँ से अपलोड भी कर सकते हैं। लेकिन गाइज यहाँ पर आप लिंक्डइन पे अगर आपका अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो दे दूंगा, आपको बनाना होगा तो आप बना लीजिएगा कि कैसे आप लिंक्डइन के थ्रू भी जॉब फाइंड कर सकते हैं ऑनलाइन घर बैठे, उसको कर सकते हैं वर्क फ्रॉम होम, वहाँ पर मैंने सब कुछ सिखाया, जाकर देख भी सकते हैं। और लेकिन मैं आपको यहाँ पर बोलना चाहूँगा फिल आउट मैनुअली पर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पर देखिए थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आप यहाँ पर अच्छे से प्रोफाइल क्रिएट करिएगा, जल्दबाजी मत करिएगा, जो चीज़ बता रहा हूँ अच्छे से ध्यान से देखकर सीखिएगा। यहाँ पर फिल आउट मैनुअल पर आप क्लिक करेंगे। ग्रेट, सो व्हाट काइंड ऑफ वर्क आर यू हियर टू डू, मतलब आपको अब यहाँ पर देखिए बताना होगा किस तरीके का आप यहाँ पर काम करके देने वाले हैं। तो अगर आप मेरी पुरानी ऑडियंस है, आपको पता होगा कि मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग करता हूँ और करवाता भी हूँ, और यहाँ पर जैसे कि आपका जो भी कैटेगरी होगा आप यहां से सिलेक्ट कर लीजिएगा, जो भी आपको स्किल होगा वो चीज़ आप यहां पर सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि यहां पर मैं ग्राफिक डिज़ाइन, यहां पर डिज़ाइन एंड क्रिएटिव पर क्लिक कर देता हूं, और यहां पर देखिए मैं थंबनेल डिज़ाइन करता हूं, तो यहां पर देखिए किस पर क्लिक करेंगे, ग्राफिक यहां पर क्लिक कर देंगे। आपको तीन, मैक्सिमम तीन यहां पर सिलेक्ट करने होते हैं। यहां पर जैसे प्रोडक्ट डिज़ाइन मैं सिलेक्ट कर लेता हूं, और यहां से वीडियो एंड एनिमेशन भी, मैं वीडियो भी एडिट करता हूं तो यहां से मैं सिलेक्ट कर लेता हूं। उसके बाद यहां पर नेक्स्ट एड योर स्किल पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आप अपने हिसाब से अपना सिलेक्ट करिएगा, मेरा देखकर मत करिएगा, जो भी आपका कैटेगरी होगा वो आप करेंगे। जैसे कि मान लीजिए आप वेब डिज़ाइन करते हैं तो वो चीज़ आप वहाँ पर, जैसे मैं बैक करके फिर से दिखा देता हूँ, तो जो भी आपका होगा यहाँ पर, जैसे नेटवर्किंग करते हैं, लीगल, सेल्स एंड मार्केटिंग आप कर सकते हैं, जो भी आप कर सकते हैं, तो उसको सिलेक्ट करने के बाद तभी आप आगे का प्रोसेस करिएगा। नेक्स्ट करता हूँ यहाँ पर, नेक्स्ट करने के बाद उसके बाद बोल रहा है व्हाट वर्क आर यू हियर टू डू, मतलब अब देखिए आपके जैसे जो अभी आपने स्किल सिलेक्ट किया है उसके मुताबिक यहाँ पर कुछ आपको यहाँ पर शो करने वाला है, उसमें से आपको सिलेक्ट करना होगा, अदरवाइज आप यहाँ पर इंटर स्किल यहाँ पर हियर डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं डाल देता हूँ थंबनेल वर्क, यहाँ पर थंबनेल करके डाल दिया, और यहाँ पर यूट्यूब थंबनेल भी आ जाएगा, यूट्यूब करके भी डाल देता हूँ, और यहाँ पर कोई अगर ये चीज़ें सर्च करेगा थंबनेल से रिलेटेड तो मेरा प्रोफाइल वहाँ पर शो करेगा, तो यहाँ पर YouTube करके मैं डालता हूँ, और यहाँ पर थंबनेल मैंने डाल दिया, और ये भी आ गया है। देखिए ऐसे कैटेगरी आपको यहाँ पर टैग्स लगा देने हैं, थंबनेल यहाँ पर, थंबनेल डिज़ाइन यहाँ पर, कवर आर्ट थंबनेल पर भी कर देंगे। इस प्रकार आप मैक्सिमम यहाँ पर देखिए 15 स्किल यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, 15 टैग्स आप यहाँ से लगा सकते हैं। अगर आपको कोई यहाँ से पसंद आता है प्रोडक्ट डिज़ाइन, जैसे मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, इस पर मैं क्लिक कर दूंगा तो वो चीज़ देखिए यहाँ पर ऐड हो चुका है। अब मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर देखिए नेक्स्ट पर यह क्लिक कर देना होगा। एड टाइटल टू टेल दी वर्ल्ड व्हाट यू डू, मतलब अब आपको दुनिया को बताना है कि आप क्या कर रहे हैं। आपको जस्ट एक से दो लाइन में आपको यहाँ पर अपना टाइटल लिखना होगा। टाइटल में आप क्या लिखेंगे, देखिए जैसे कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, एक लाइन में लिख दिया है, एकदम सिंपल लिखा है, और इस सिंपल लिखने में कई सारे कीवर्ड्स यहाँ पर आ चुके हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक कीवर्ड ऐड कर दिया है ग्राफिक डिज़ाइन, इससे रिलेटेड कोई सर्च करेगा तभी भी मेरा यहाँ पर रैंक करने वाला है प्रोफाइल, और यहाँ पर YouTube कोई सर्च करता है, या फिर YouTube थंबनेल करके कोई सर्च करेगा तो भी आ जाएगा, या फिर कोई थंबनेल डिज़ाइन सर्च करेगा तो भी यहाँ पर मेरा प्रोफाइल आ जाएगा। तो इस प्रकार आपको अपने हिसाब से लिख लेना है। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद इफ़ यू हैव रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस एड इट हियर, अब आपके पास अगर कोई एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पर उसको ऐड कर सकते हैं। फिलहाल ये कोई आपका चेक नहीं करने वाला है तो आप यहाँ पर ऐड कर दीजिएगा, कोई आपका देखने वाला नहीं है। इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर जैसे कि टाइटल लिख देना है जो भी आपने काम किया है, जैसे कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ग्राफिक डिज़ाइनिंग, ग्राफिक डिज़ाइनर मैंने यहाँ पर टाइटल डाल दिया, और यहाँ पर कंपनी आपको डाल देना है, कोई भी कंपनी आप एक्स वाई जेड कोई भी आप डाल सकते हैं,
तो मैं जस्ट एक एग्जांपल आपको समझाने के लिए एक्स वाई जेड लिख दिया यहाँ पर, तो जो कंपनी में आपने काम किया होगा तो वो डाल दीजिएगा, अदरवाइज नहीं भी किया है आपने फिर भी उसको आप ऐड कर सकते हैं। जैसे कि कोई भी लोकेशन आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं, आप जिस शहर से यहाँ पर ऐड कर दीजिएगा और यहाँ पर कंट्री आप सिलेक्ट कर लीजिएगा, मैं इंडिया से हूँ इंडिया कर लूँगा, आप जिस कंट्री से हैं कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे तो आपको यहाँ पर देखिए जो कंपनी में आप काम स्टार्ट किए थे कौन से ईयर में स्टार्ट किया था, और आप अगर अभी तक कर रहे हैं तो इस पर चेक पर क्लिक करेंगे, अगर नहीं कर रहे हैं तो कब आपने वो छोड़ दिया था, रिज़ाइन कब दिया था, तो यहाँ पर आप उसको ईयर को डाल देंगे। तो यहाँ पर मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ कि अभी मैं वहाँ पर जॉब कर रहा हूँ, तो यहाँ पर फरवरी कुछ भी ईयर सिलेक्ट कर लेता हूँ और वहाँ पर मैं कर रहा हूँ लगभग 2018 से, ठीक है। तो आपको यहाँ पर लगभग 5 से 6 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है। अब यहाँ पर सेव पर आप क्लिक कर दीजिए, यहाँ पर देखिए एक्स वाई जेड आ चुका है, इस तरीके से आप आपका वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पर आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर क्या करना होगा, नेक्स्ट पर क्लिक कर देना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद गाइस क्लाइंट लाइक टू नो व्हाट यू नो एड योर एजुकेशनल हियर, मतलब आपका क्या एजुकेशन है, आप 12th किए हैं, ग्रेजुएशन किए हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर PhD वगैरह जो भी आपने किया है वो चीज़ आपको यहाँ पर ऐड करना होगा। यहाँ से आप क्लिक करने के बाद देखिए आपको यहाँ पर स्कूल नेम यहाँ पर डाल देना है, डिग्री आपने कहाँ से लिया है यहाँ पर डाल देना है, कौन सी डिग्री लिया है, फील्ड टू ऑफ स्टडी यहाँ पर डाल देंगे, जैसे कंप्यूटर साइंस यहाँ पर एग्जांपल दिया है तो जैसे कि मैं BCom डाल दूंगा, उस प्रकार आप यहाँ पर इसको फिल कर दीजिएगा। अभी मैं यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ तो आप इसको फिल जरूर करिएगा, ऐसा स्किप मत करिएगा, अभी के लिए मैं यहाँ पर इसको स्किप कर रहा हूँ लेकिन आप जरूर डालिएगा। उसके बाद लुकिंग गुड नेक्स्ट टेल अस विच लैंग्वेज यू स्पीक, तब आपको अपना लैंग्वेज यहाँ पर डाल देना है, इंग्लिश यहाँ पर है तो उसको रहने दीजिएगा। माय लेवल पर आप क्लिक करेंगे तो किस तरीके की आप इंग्लिश यहाँ पर बोल सकते हैं, जैसे कि बेसिक, कन्वर्सेशनल और या फिर फ्लुएंट, आप बीच वाले पर सिलेक्ट कर देंगे। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है इंग्लिश से रिलेटेड तो आप गूगल ट्रांसलेट का यूज़ कर लीजिएगा, वहाँ पर आपका सॉल्व हो जाएगा। अगर आपको कोई लैंग्वेज यहाँ से ऐड करना है तो आप यहाँ पर ऐड लैंग्वेज पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर मैं हिंदी ऐड कर देता हूँ क्योंकि मुझे हिंदी भी काफ़ी अच्छे से आती है, मेरा मदर टंग ही हिंदी है, तो यहाँ पर मैं फ्लुएंट पर डाल दूंगा। उसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद ग्रेट नाउ राइट ए बायो टू टेल द वर्ल्ड अबाउट योर सेल्फ, मतलब अब आपको यहाँ पर एक बायो लिख देना है। बायो आप कैसे लिखेंगे देखिए मैं आपको सिखा दे रहा हूँ अच्छे से, क्योंकि प्रोफेशनल आपका होना चाहिए यहाँ पर, एटलीस्ट 100 कैरेक्टर्स में आपको यहाँ पर टाइप करना है। कुछ एग्जांपल भी यहाँ पर दे दिया कि किस तरीके से आपको यहाँ पर बायो लिखना है, तो आप क्या करेंगे यहाँ पर गूगल में सर्च कर लेंगे, ChatGPT यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ChatGPT, और यहाँ पर एंटर करने के बाद सर्च कर लिया और इसको ओपन कर लेना है। यहाँ पर देखिए ChatGPT ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर जैसे कि मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर देखिए मैंने लिख दिया है ChatGPT में राइट ए शॉर्ट बायो एज ए ग्राफिक डिजाइनर फॉर अपवर्क प्रोफाइल इन 100 कैरेक्टर्स। तो इस प्रकार आपको भी यहाँ पर लिख देना होगा जो आप कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैंने ग्राफिक डिजाइनर डाल दिया है, तो आप जो कर रहे हैं वो चीज़ आप यहाँ पर एंटर कर दीजिएगा, और यहाँ पर एंटर करेंगे जब तो आपको यहाँ पर देखिए ChatGPT आपको लिख कर दे देगा। इस प्रकार आप ChatGPT की हेल्प ले ही सकते हैं, लेकिन अगर आपको यहाँ पर नहीं करना है तो आप यहाँ पर अपवर्क में जैसे कि सर्च कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर देखिए क्या फाइंड किया है, अपवर्क ग्राफिक डिजाइनर प्रोफाइल यहाँ पर देखिए, तो मैंने सर्च किया, सर्च करने के बाद यहाँ पर इस पर क्लिक कर देता हूँ पहले वाले पर, और यहाँ पर बहुत सारे ग्राफिक डिजाइनर आ चुके हैं। इन पर जाने के बाद इनकी प्रोफाइल चेक करिएगा किस प्रकार यहाँ पर इन्होंने अपने प्रोफाइल को लिखा हुआ, यहाँ पर इनका ये बायो आपको दिख जाएगा, इस प्रकार आपको भी राइट करना है। तो अगर आपको इनका पसंद आता है तो एज इट इज़ कॉपी कर लीजिएगा, कॉपी करने के बाद यहाँ पर आप आएंगे उसको यहाँ पर पेस्ट करिएगा। पेस्ट करने के बाद जहाँ पर इन्होंने अपना नेम वगैरह लिखा होगा, अपना एक्सपीरियंस लिखा होगा, उन चीज़ों को आप यहाँ पर चेंज कर दीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर इन्होंने लिखा है हेलो आई एम ए आर्टिस्ट डिजाइनर एंड डिजिटल नेटिव, तो आप अपने हिसाब से लिखेंगे यहाँ पर हेलो आई एम ए आर्टिस्ट, यहाँ पर इसको हटा दीजिएगा, हेलो आई एम एन डिजाइनर, यहाँ पर डिजाइनर इन्होंने डाला था, हम इसको चेंज कर देंगे, यहाँ पर इसको मैं कट कर देता हूँ, आई एम डिजाइनर एंड थंबनेल डिजाइन, यहाँ पर देखिए हमने चेंज कर दिया है, हेलो आई एम ए थंबनेल डिजाइनर क्रिएटिंग एंगेजिंग यूजर्स एक्सपीरियंस। तो इस प्रकार आप यहाँ पर सब चेंजेस कर दीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, पढ़ने के बाद यहाँ पर नेम वगैरह जो भी लिखा रहेगा अपना डाल दीजिएगा, सब कुछ चेंज कर दीजिएगा। उसके बाद ये डालने के बाद लिखने के बाद गाइज आप यहाँ पर क्या करेंगे, नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद नाउ लेट सेट योर आवरली रेट, मतलब आप 1 घंटे का कितना चार्ज करना चाहते हैं क्लाइंट से, तो आप क्या करेंगे यहाँ पर आएंगे, जैसे कि आप मिनिमम कम भी मत रखिएगा बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा भी मत रख दीजिएगा स्टार्टिंग में, मिनिमम आप यहाँ पर $8 डाल दीजिएगा। $8 में से 10% आपका सर्विस फीस अपवर्क ले लेगा, जिसके बाद यहाँ पर देखिए इतने आपके माइनस हो जाएंगे।
आपको यहाँ पर यू गेट यहाँ पर $7.20 आपको यहाँ पर मिलने वाला है। $7.20 का मतलब लगभग 500 से 600 रुपए के आसपास होता है, एक घंटे का आपको यहाँ पर इतना मिलेगा। तो आप इसको बाद में कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, फिलहाल अभी आप $8 सेट कर दीजिए और यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। अब गाइज हमें बोल रहा है ए फ्यू लास्ट डिटेल्स देन यू कैन चेक एंड पब्लिश योर प्रोफाइल। अब यहाँ पर कुछ और बचा हुआ है, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं। यहाँ पर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डाल देना है, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है सही सिलेक्ट करिएगा, क्योंकि बाद में वो आधार कार्ड पैन कार्ड के जरिए वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो कुछ भी यहाँ पर फेक नहीं चलता है पोर्क पर, सब कुछ अपना सही डिटेल डालिएगा अगर जेन्युइन आप काम करना चाहते हैं। डेट ऑफ बर्थ डालिएगा, अपना कंट्री यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा, आपका जो एड्रेस होगा यहाँ पर स्ट्रीट यहाँ पर जो भी होगा आपका रोड वो डालिएगा, और यहाँ पर जैसे कि ऑप्शनल है ये अपार्टमेंट अगर कोई बिल्डिंग है नेम है मतलब आपके घर का नंबर वगैरह है तो यहाँ पर आप इंटर कर देंगे। सिटी जो भी आपका यहाँ डालेंगे, यहाँ पर अपना स्टेट डाल दीजिएगा, जिप कोड जो भी आपका पिन कोड होगा वो यहाँ पर आप इंटर करेंगे, अपना मोबाइल नंबर यहाँ डालिएगा। डालने के बाद गाइस सबसे मेन बात आपका जो देखता है क्लाइंट वो आपके प्रोफाइल में आपका लोगो दिखता है कि आप अपना लोगो किस प्रकार लगाए हैं। तो यहाँ पर देखिए लोगो जितना अट्रैक्टिव होगा उस पर क्लाइंट उतना ट्रस्ट करेगा, उतना विश्वास करेगा आपके चेहरे को देखने के बाद। तो यहाँ पर एक हंसता हुआ लोगो आप लगा दीजिएगा, जैसे इस पर क्लिक करिएगा, आप यहाँ से अपलोड फोटो पर क्लिक करेंगे और यहाँ से जो भी आपका फाइल होगा उसको आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर गाइस जो हमें इमेज का साइज रखना है वो देखिए सिलेक्ट नहीं हो रहा है, यहाँ पर 250x250 मिनिमम यहाँ पर साइज होना चाहिए आपका इमेज का, और यहाँ पर 5 MB मैक्सिमम उसका साइज का होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या करना हो, गूगल में मैंने सर्च कर लिया 250x250 इमेज, यहाँ पर इसका ये पिक्सल रखने वाले हैं, रेजोल्यूशन ये रखेंगे हम। तो यहाँ पर देखिए पहली वेबसाइट ओपन कर लेंगे, यहाँ पर अपना इमेज को अपलोड करेंगे और ये हमें बनाकर दे देगा। यहाँ पर जैसे कि वो फाइल मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ जो मुझे यहाँ पर अपलोड करना है, यहाँ पर मैंने सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पर अपलोड कर दिया। अपलोड करने के बाद इसको हम सेंटर में लाकर लगा देंगे जितना हमें चाहिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से सिंपली इसको डाउनलोड आप कर लीजिएगा। जैसे कि ये वाला इमेज मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया, आप इसको यहाँ से जूम भी कर सकते हैं जितना आपको करना होगा अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पर मैं इसको ऐसे लगा देता हूँ। उसके बाद गाइज यहाँ पर अटैच फोटो पर क्लिक कर देता हूँ। ये चीज़ें सब फटाफट फिल करने के बाद यहाँ पर मैं नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा। उसके बाद देखिए प्रीव्यू आ जाएगा आपके प्रोफाइल का, आपका प्रोफाइल यहाँ पर अच्छे से चेक कर लेना है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ से देखिए जो आपने टाइटल डाला था और यहाँ पर जो प्रोफाइल पिक्चर आपने डाला है, आपका डिस्क्रिप्शन यहाँ से दिख जाएगा, आपका रेट वगैरह यहाँ से दिख जाएगा, स्किल जो आपने डाला है यहाँ पर दिख जाएगा, एजुकेशन डिटेल मैंने अभी नहीं डाला है तो आप यहाँ पर ऐड कर दीजिएगा। और उसके बाद गाइज यहाँ पर आपका सब कुछ जब आपको लगेगा सही है तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर सबमिट प्रोफाइल पर ऊपर क्लिक करेंगे। आपको यहाँ पर 2 से 3 दिन 4 दिन भी लग सकता है, अपवर्क यहाँ पर रिव्यू करेगा आपका प्रोफाइल, सब कुछ चेक करने के बाद यहाँ पर आपका प्रोफाइल जो है पब्लिक कर दिया जाएगा यहाँ पर, ताकि कोई फ्रॉड ना हो इसलिए यहाँ पर अपवर्क ये चीज करता है। तो आपको यहाँ पर सबमिट प्रोफाइल पर क्लिक कर देना होगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे योर प्रोफाइल इज रेडी नाउ यू विल नीड टू कनेक्ट टू बीट ए ऑन जॉब। यहाँ पर देखिए मेरा प्रोफाइल तुरंत यहाँ पर पब्लिक कर दिया गया है, अब यहाँ पर मैं जॉब करने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद गाइस जब मैंने फिर से गूगल में अपना अकाउंट यहाँ पर लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद यहाँ पर कुछ पॉपअप्स यहाँ पर मुझे शो कर दिए, कंप्लीट योर प्रोफाइल करके दिखा रहा है, 60% मेरा प्रोफाइल कंप्लीट हो गया है, और भी सब कुछ डिटेल जो आपको पूछेगा तो आप इतने समझदार हैं अच्छे से उसको फिल कर लीजिएगा ताकि आपका 100% कंप्लीट हो जाए, जब तब आपको ज़्यादा चांसेस होंगे क्लाइंट के द्वारा आपको जॉब मिले, आपको यहाँ पर काम मिले। यहाँ पर देखिए क्लोज कर देना, आपको यहाँ पर अभी फिलहाल मैं क्लोज कर रहा हूँ, आप लेकिन कंप्लीट यहाँ से भी कर सकते हैं क्लिक करने के बाद। अब बात आ जाती है कि आपको यहाँ पर जॉब कैसे मिलेंगे, यहाँ पर फाइंड वर्क पर आप क्लिक करेंगे, फाइंड वर्क पर क्लिक कर दीजिएगा तो आपको आपके प्रोफाइल से रिलेटेड बहुत सारे जॉब्स यहाँ पर शो करने लगेंगे जिसके मुताबिक आपने प्रोफाइल अपना क्रिएट किया है। मान लीजिए आपने वेब डिजाइनिंग से किया है तो वेब डिजाइनिंग से रिलेटेड बहुत सारे प्रोफाइल्स शो करेंगे। और हाँ गाइज यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया था, थंबनेल वर्क यूट्यूब थंबनेल वर्क से रिलेटेड डाला था। तो अभी देखिए 1 घंटे पहले यहाँ पर एक पोस्ट आया है, थंबनेल वर्क है यहाँ पर, और ये यूनाइटेड स्टेट से हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्होंने लगभग 100K स्पेंड कर चुका है डॉलर्स में, यहाँ पर इतना डॉलर्स इन्होंने स्पेंड कर चुका है, मतलब क्लाइंट जेन्युइन है। ये चीज़ें मेरी बात ध्यान में रखिएगा, आपको जो भी काम करना है वो एक वेरीफाइड क्लाइंट के लिए आप करिएगा, अगर किसी के लिए ऐसे मत करिएगा कि कोई फ्रॉड करना चाहे आपसे कि आप इतने रुपए मुझे पेमेंट कर दीजिए, इतना डॉलर का पेमेंट करिए तब आपको ये जॉब मिलने वाली है। ध्यान में रखिएगा जो आप काम करेंगे यहाँ पर अपवर्क पे करिएगा, इसके बाहर आपको कहीं भी नहीं करना है और किसी को 1 रुपए भी पेमेंट नहीं करना है, कहीं बाहर जाकर कुछ भी पेमेंट मत करिएगा।
अब यहाँ पर देखिए वेरीफाइड है, यहाँ पर इन्होंने स्पेंड कर चुका है इतने डॉलर्स, तो ये सही है, जेन्युइन है, इनके लिए आप यहाँ पर काम कर सकते हैं। कैसे करेंगे बता रहा हूँ, या फिर अगर आप कोई जॉब फाइंड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं, जैसे कि YouTube थंबनेल करके यहाँ पर मैं डाल देता हूँ, YouTube थंबनेल करके यहाँ पर मैंने डाल दिया है। और यहाँ पर सर्च करने के बाद बहुत सारे, यहाँ देखिए 8 मिनट पहले एक जॉब यहाँ पर आया है, और यहाँ पर देखिए 1 घंटे पहले एक जॉब आया है, तो आप यहाँ से डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। इन्होंने $2,000 यहाँ पर स्पेंड किया है, यूनाइटेड स्टेट से ये भी हैं। तो अगर आपको देखिए आप अप्लाई कैसे करना है, मान लीजिए जॉब आपको पसंद आ गई है, तो आप क्या करेंगे, इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद गाइज आपको सारा यहाँ पर डिटेल दिख जाएगा इसके बारे में कि क्लाइंट को क्या चीज़ चाहिए, क्या वो बनवाना चाहता है। तो यहाँ पर इनका बजट वगैरह सब कुछ आप यहाँ से देख सकते हैं, सब कुछ पहले समझ लीजिएगा। टोटल स्पेंड यहाँ पर कितना किया इन्होंने, 14 जॉब अभी पोस्टेड किया इन्होंने, और यहाँ पर सब कुछ इनका रिव्यू वगैरह आप देख सकते हैं, पेमेंट वगैरह इनका वेरीफाइड है, सब कुछ चेक कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए इनका बजट आप देख सकते हैं, 4 थंबनेल इनका रहेगा मंथली, और इनका $5 में एक थंबनेल इनको चाहिए, और यहाँ पर $20 का ये मंथली यहाँ पर ये बनवाने वाले हैं। सब कुछ यहाँ पर अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, जब आपको यहाँ पर जॉब के लिए अप्लाई करना है तो यहाँ पर देखिए आपको कनेक्ट्स की ज़रूरत पड़ती है, तो कनेक्ट्स आपको यहाँ पर कुछ बेसिक प्लान में फ्री भी मिलते हैं, कुछ आपको बाय भी करना पड़ता है। लेकिन पहले समझ लीजिएगा, अगर आप अच्छे से काम कर सकते हैं, आपको लगता है कि ये चीज़ मैं अच्छे से कर सकता हूँ, तभी आप यहाँ पर बाय करिएगा, अदरवाइज आप बेसिक प्लान में इनके जाइएगा। यहाँ पर मैं अपने प्रोफाइल वाले आइकॉन पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर देखिए कनेक्ट्स पर क्लिक कर दूंगा। अभी मेरे पास कितने कनेक्ट्स हैं, 0 कनेक्ट्स हैं, तो मैं उसके लिए अभी जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकता हूं। तो यहां पर मंथली आपको 10 कनेक्ट्स जो है दिए जाते हैं फ्री में, हर महीने आपको 10 कनेक्ट्स मिलेंगे, और उसके बाद आप यहां से बाय भी कर सकते हैं। मैं अभी बोलूंगा अगर आप स्टार्टिंग डेज में हैं, अभी आप कोई भी अर्निंग नहीं किए हैं तो मत करिएगा, लेकिन अगर आप अच्छे घर से हैं, आप इन्वेस्टमेंट थोड़ा बहुत कर सकते हैं, तो यहाँ पर कनेक्ट्स बाय कर लीजिएगा। मैं फिलहाल रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कोई भी, और आप अपने मर्जी से कर भी सकते हैं। लेकिन देखिए अब आपको यहाँ से अप्लाई करना होता है, इस पर आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहीं से आपको अप्लाई करना होगा। यहाँ पर जैसे कि अप्लाई नाउ पर आपका ऑप्शन आ जाएगा, इस पर आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद वहाँ से आप जाकर अप्लाई कर देंगे। और अगर देखिए इस वीडियो में मैं आपको नहीं बता पा रहा हूँ क्योंकि मैंने भी अपनी नया प्रोफाइल बनाया है, तो मेरा भी कनेक्ट्स अभी यहाँ पर नहीं है, तो आप और यूट्यूबर्स की वीडियो अगर फाइंड करेंगे हाउ टू अप्लाई ऑन अपवर करके आएगा, तो वहाँ पर आप देख लीजिएगा उनकी वीडियो, आपको अच्छे से दिखा देंगे कि कैसे आपको अप्लाई करना है। और अगर आपको इस पर एक डिटेल वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट जरूर करिएगा, मैं एक डिटेल वीडियो नेक्स्ट वीडियो आपको ला दूंगा, क्योंकि यहाँ पर कनेक्ट्स पहले मुझे मिल जाएं उसके बाद मैं आपको बता दूंगा। या फिर अगर आपको अभी देखना है तो आप जाकर यूट्यूब पर फाइंड भी कर सकते हैं। और आपको यहाँ पर कवर लेटर वगैरह कैसे लिखना होता है तो वो चीज़ भी मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा, या फिर आप YouTube पर भी सर्च कर सकते हैं। और इसका कवर लेटर जो है मैं आपको सेंड करूंगा अपने WhatsApp चैनल पर, WhatsApp चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जाकर फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर जितने भी ऐसे अपडेट्स आते हैं ऑनलाइन अर्निंग के, तो वहीं पर मैं सबसे पहले आपको देता हूँ, इसलिए जाकर ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। WhatsApp का चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहीं पर कवर लेटर आपको भेज दूंगा, कैसे आपको कवर लेटर लिखना होता है। अब तो गाइस ये बात हो गई कि कैसे आप यहाँ पर जो है जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे, मैंने आपको सिखा दिया। अब मान लीजिए आपको कोई मैसेज आता है क्लाइंट के द्वारा, तो आप कहाँ पर देखेंगे, आपको यहाँ पर दिख जाता है मैसेजेस में, इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद गाइज आपको यहाँ पर सारे मैसेजेस दिख जाएंगे जो क्लाइंट के द्वारा आया है। तो यहाँ पर अगर आपकी बात डन हो जाती है क्लाइंट के द्वारा, आपने जो अप्लाई किया है आपके बाद कर लिया, दोनों लोगों ने कन्वर्सेशन आपका हो गया, तो जो क्लाइंट क्या करेगा, वहां से वो अप्रूव करेगा। अप्रूव करने के बाद गाइज आपका यहाँ पर जॉब दे दिया जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर जॉब करने के बाद, थंबनेल बनाने के बाद, या फिर जो भी आप बना रहे हैं उसको यहाँ से प्रोवाइड करना पड़ता है क्लाइंट को। अब गाइज बात आ रही होगी कि मैंने सब कुछ तो बता दिया, लेकिन यहाँ पर पेमेंट कैसे मिलेगा, वो चीज़ मैंने अभी तक आपको नहीं बताया, तो चलिए मैं वो बता देता हूँ कि आपको यहाँ पर पेमेंट कैसे रिसीव होगा। यहाँ पर प्रोफाइल वाले आइकॉन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक करने के बाद गाइज अपने यहाँ पर अकाउंट सेटिंग पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपको देखिए यहाँ पर आपका सारा डिटेल्स यहाँ से देखने को मिल जाएगा, जो भी डिटेल आपने फिल किया है। यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिख जाता है बिलिंग एंड पेमेंट का, इस पर आप क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद गाइज यहाँ पर ऐड ए बिलिंग मेथड पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आप यहां से पेमेंट कार्ड भी अपना ऐड कर सकते हैं, या फिर आप यहां पर पेपाल के द्वारा अपनी अर्निंग यहां से विड्रॉल कर सकते हैं जो भी डॉलर्स में होती है। अब देखिए फॉरेन की जितनी भी कंट्रीज़ के अर्निंग होती है वो आपको पेपाल के द्वारा आता है, तो आपका अर्निंग यहाँ पर पेपाल में ट्रांसफ़र किया जाएगा, पेपाल के द्वारा उसके बाद बैंक में ट्रांसफ़र किया जाता है।
तो अगर आप मेरी पुरानी ऑडियंस है, आपके पास पेपाल अकाउंट तो होगा ही, लेकिन अगर आप नए हैं, आप नहीं बनाया होगा या फिर बनाया तो बहुत अच्छी बात है। अगर पेपाल का अकाउंट नहीं बनाया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, वीडियो देख लीजिएगा कैसे आप पेपाल का अकाउंट क्रिएट करेंगे। उसको क्रिएट करने के बाद गाइज आप यहाँ पर उसको इस पर क्लिक कर देंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर पे विद पेपाल पर क्लिक करने के बाद उसको यहाँ से ऐड कर देंगे। क्लिक करने के बाद जो भी आपका पेपाल में मेल आईडी होगा यहाँ पर आप उसको पेस्ट करेंगे, कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा और यहाँ पर अपना पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद आपका यहाँ पर लिंक कर दिया जाएगा, फिर जितनी भी आपकी अर्निंग होगी यहाँ से आप डायरेक्ट पे आउट पर क्लिक करेंगे, आपका यहाँ पर पैड कर दिया जाएगा। और अगर गाइज आपको यहाँ पर पेपाल के द्वारा पेमेंट नहीं रिसीव करना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर गेट पैड पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने नया पेज आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर क्या करना होगा, विड्रॉल मेथड पर आपको यहाँ पर ऐड कर देना होगा। यहाँ पर क्या करेंगे, ऐड पेमेंट मेथड पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद गाइस आप देखिए डायरेक्ट अपने बैंक में भी यहाँ से विड्रॉल कर सकते हैं, लेकिन जितनी बार आप गेट पैड करेंगे, मान लीजिए आपका $100 कंप्लीट हो गया या फिर $150 $300 जो भी आपका यहाँ पर हुआ है, जितनी बार विड्रॉल करेंगे उतनी बार आपका यहाँ पर $0.99 मतलब समथिंग यहाँ पर $1 ये चार्ज कर लेगा जितनी बार आप यहाँ पर विड्रॉल करेंगे। अपवर्क वहाँ पर $1 कट कर लेगा आपका। 100 विड्रॉल करेंगे तो $99 आपके यहाँ पर बैंक में ट्रांसफर किए जाएंगे। यहाँ पर सेटअप पर क्लिक करेंगे, सेटअप पर क्लिक करने के बाद गाइज यहाँ पर अपना देखिए IFSC कोड डाल देंगे, बैंक अकाउंट नंबर डालेंगे और यहाँ पर नेक्स्ट करके उसको यहाँ से ऐड कर देंगे। सिंपल है, आसान है, कर लीजिएगा। बस गाइज आपको यहाँ पर देखिए इस प्रकार प्रोफाइल क्रिएट करना होता है, इस तरीके से जॉब फाइंड करके यहाँ पर अप्लाई करना होता है, इस तरीके से यहाँ पर पैसे को विड्रॉल करना होता है। यहाँ पर काम जरूर करिएगा, लोग यहाँ पर लाखों रुपए की अर्निंग कर रहे हैं। और हाँ गाइज इस वीडियो को अपने फैमिली मेंबर के साथ शेयर जरूर करिएगा ताकि वो भी घर बैठकर सीख सके कैसे वो भी यहाँ पर ऑनलाइन काम करके पैसे कमा सकते हैं घर बैठकर। चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, बहुत ज़्यादा मेहनत और रिसर्च करना पड़ता है आप लोगों के लिए। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे और वीडियोस को चेक कर सकते हैं, मैंने बहुत सारे टॉपिक्स पर कवर किया है कैसे आप ऑनलाइन पैसे कमा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कीमती समय देने के लिए।